Hi, my name is Abira. My height is 5'5". I'm a model and actress. I started my modeling in 2012. I have done brand shoots and I'm doing ramp as well. I want to do commercials. I think I can do better. ये दुनिया एक शतरंज की विशाल तरह से है, सब अपने अपने जगह पर हैं और फिर शुरू होता है सामने वाले को मार कर जीतने का खेल। हिरिस और हवस इसके साथ ही होते हैं। ये मिल इन्हें जो प्यादों को शहीद बनाकर शाह बनते हैं। प्यादे की कोई कीमत नहीं है, प्यादे को पता ही नहीं होता कि इसकी कुर्बानी दी जा रही है और कुर्बानी देने वाले कई बार अपने ही दोस्त, रिश्तेदार और बहुत करीबी होते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही प्यादे की कहानी है जो दूसरों के हवस का शिकार बना। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से मुतासिर होकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए अपने इस पहली ब्रेक थ्रू की तलाश में थी, जो इसे एक आम स्ट्रगलिंग मॉडल गर्ल से रातों रात फिल्मी दुनिया की सितारों में शामिल कर दे। अपनी मेहनत और जज्बे पर भरोसा करके अबीरा इकबाल पाकिस्तान के शहर सियालकोट से अपनी आंखों में बहुत सारे सपने लेकर लाहौर आई थी। इसे ये अंदाजा ही नहीं था कि बाहर से निहायत ही खूबसूरत दिखने वाली ये फिल्मी दुनिया हकीकत में एक डरावने ख्वाब से कुछ कम नहीं है। शायद वो इस बात से भी बेखबर थी कि फिल्मी दुनिया का पहला ब्रेक थ्रू हासिल करने के लिए मेहनत और दूसरी क्वालिटीज होने के बावजूद भी बहुत कुछ कुर्बान करना और बहुत कुछ सहना पड़ता है और बस इसी बात की लाइल्मी ने इनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित कर दिया। लाहौर शहर में वो रहने तो अपने अंकल के यहाँ आई थी, मगर वो रहती एक हॉस्टल में थी। इनकी लाश लाहौर शहर के एक बस स्टैंड पर एक सूटकेस में बंद मिली थी। इब्तदाई तौर पर पंजाब पुलिस को ये भी तय करना निहायत ही मुश्किल साबित हो रहा था कि इस 20 साल दोषीजा का रेप के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया है या कोई नशा आवर दवा खिलाकर रेप किया गया है और फिर इन्हें जहर देकर मरने के लिए छोड़ा गया। इनकी लाश की जो हालत थी इससे सिर्फ दो चीजें वाजह हो रही थी, एक तो ये कि इनको जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है और दूसरा ये कि इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इसकी वजह ये थी कि इन्हें मौत के गांठ उतारने के काफी देर बाद तक शायद फोल्ड करके किसी डिफ्रेजर में रखा गया था। पुलिस जांच की इब्तदाई तौर पर दो तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई और जैसे जैसे पुलिस तहकीकात आगे बढ़ती गई, कोहरे में छुपी इस शफाक साजिश पे सबूतों की किरणें पड़ती गई और इस कोहरे की बर्फ पिघलती गई। इस कत्ल का पहला सबूत इस बस स्टैंड के सीसीटीवी से मिला, जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून रिक्शे से इस सूटकेस को उतार कर बस स्टैंड पर रख कर चली जाती है। पंजाब पुलिस ने जब इस खातून की तलाश शुरू की तो पता चला कि वो मॉडल्स की मेकअप आर्टिस्ट है। लाहौर की रिहायशी मेकअप आर्टिस्ट रूबा को इस रिक्शा ड्राइवर ने भी पहचान लिया, जिसका रिक्शा इस सूटकेस को लाने में इस्तेमाल हुआ था। तूबा ने इस स्ट्रगलिंग मॉडल गर्ल की कत्ल का जिम्मेदार तूबा के बॉयफ्रेंड को करार दिया और पुलिस को ये भी बताया कि इस मॉडल गर्ल को अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ 10 दिन पहले ही मिलवाया था, जिस पर तूबा के बॉयफ्रेंड फारूक को भी हिरासत में लेकर तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। तूबा ने पुलिस को बताया कि मॉडल गर्ल अबीरा और फारूक नामी इनका दोस्त इनके ही घर में मिलते थे और इस दिन वो दोनों एक कमरे में बैठे थे कि अचानक से अबीरा की चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, मगर इसी लम्हे बंद भी हो गईं। और कुछ देर बाद फारूक ने आकर बताया कि मॉडल गर्ल अबीरा अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद इन्होंने इनको ठिकाने लगाने के पैसे दिए और वो चला गया। इसके बाद पुलिस ने इनके घर से वो जहर भी बरामद किया जो इस मॉडल गर्ल अबीरा की बॉडी में पाया गया था। पुलिस तहकीकात से पता चला कि ये जहर इनके एक और दोस्त जीशान ने खरीद कर लाया था और इनको कत्ल करने में इस्तेमाल किया गया था। इस मॉडल गर्ल को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि फारूक इनके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस तहकीकात ने एक और बात का खुलासा कर दिया कि मॉडल गर्ल को फारूक ने
में नहीं बल्कि तूबा ने जहर देकर मारा था। लाहौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तूबा को मॉडल गर्ल अबीरा के कत्ल के जुर्म में 5 लाख रुपए जुर्माना और सजाए मौत की सजा सुना दी है और मुमकिन कत्ल के शराकत दार जीशान और वारू को बेनिफिट ऑफ डाउट की बिना पर बरी कर दिया गया। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।